मुंबईमध्ये झालेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शालेय शिक्षणात मातृभाषेची गरज बोलून दाखवली. आपल्या घरामध्ये मातृभाषेतून आवर्जून बोला असं केलं नाही तर घरातला संवाद तुटेल आणि आजोबा नातवंडांचा संवाद हरपून देशात वृद्धाश्रमांची संख्या वाढेल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. मुंबई समाचार या वर्तमानपत्रामध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. अमित शहा मुंबईच्या दौऱ्यावर आहेत आणि त्यांनी या दौऱ्याच्या दरम्यान शालेय शिक्षणात मातृभाषेची गरज बोलून दाखवली. आपल्या घरात जर मातृभाषेतून बोललो नाही तर संवाद तुटेल असं यावेळी अमित शहा म्हणाले. मेरे घर में भी दो पोतियां हैं, वो संस्कृत सीखे वो गुजराती सीखे, इसलिए मैं खुद समय देता हूं, उसकी स्कूल में भी जाकर चर्चा करता हूं कि आपकी टीचर गुजराती व्याकरण ठीक नहीं सिखाती. मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं कि घर में कम अपनी भाषा में बोलना शुरू करो, बच्चे भाषा को आगे ले जाए. हमारी कहावतें, हमारी लोक कथाएं, हमारा साहित्य, उसी से हमारी संस्कृति बढ़ी है. अगर हम हमारी भाषा से अपने आप को काट लेंगे तो हम अपनी संस्कृति से भी काट लेंगे. कोई दिन ऐसा आएगा कि देश में वृद्धाश्रम बनाने की बहुत बड़ी जरूरत पड़ जाएगी.